तक शो के फीडबैक का तो कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, बिकॉज कल ही आज ही लॉन्च हुआ है एंड आई एम ऑल्सो वेरी बिजी विद बिटवीन अदर शूट्स, तो इतना टाइम नहीं मिला. बट ट्रेलर तो पिछले हफ्ते आ गया था और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है लोगों से. पीपल आर वेरी इंट्रीग्ड, दे वॉन्ट टू वॉच. ये क्या है पूछते हैं, हम बोलते हैं नहीं देखिए, बिना देखे कुछ नहीं बताएंगे. ट्रेलर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत से हमारे ऐसे दोस्त और हमारे डायरेक्टर्स एंड ऑल जो क्रिटिक हैं बेसिकली, जिनको बहुत जल्दी से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो उनका भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है और उनको लग रहा है कि हाँ ये दिस शो शुड वर्क एंड पीपल शुड लाइक इट. तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. और आज रिलीज़ हुआ है हंगामा पे, मौका या धोखा, तो बस उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं. I think we just got the information that once the trailer was, portrayed and displayed in the Hangama, office, that everyone started to clap, and it was amazing because team who has created it, and once they start to clap and once there's a kind of an ovation over there and accolades and, appreciation, तो अपने आप में बड़ी कमाल की बात है. So we are very happy. और show अभी release हुआ कुछ घंटों पहले. I think once we finish this press conference, I think our messages will start to pour and once people will start seeing it. तो यार वी होपिंग एंड प्रेइंग फॉर द बेस्ट. जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी मॉम ही है सबसे बड़ी क्रिटिक. वो तो मेरे फेस की एक लाइन को भी क्रिटिसाइज कर देती है, मतलब. तो आई डोंट नीड रिव्यूज, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब आप कर रहे हो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर शूटिंग, इफ यू आर कन्विंस्ड, अगर आपको बिलीफ है कि हाँ ये अच्छा है, आई डोंट रियली लुक एट रिव्यूज एंड एनीथिंग, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं. हमारे हाथ में टू बी कन्विंस्ड विद इन योर ओन सेल्फ. आई फोकस मोर ऑन दैट. क्रिटिक्स तो ऑफकोर्स जो स्टीरियोटिपिकल क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स आई डोंट रियली बॉदर मच अबाउट दैट. बट आई आस्क माई लव वंस, पीपल हु अप्रिशिएट सिनेमा, जो ऑनेस्टली बताएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर. ट्रेलर देख के तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है. इनफैक्ट मॉम को तो मैंने काफ़ी कुछ दिखा दिया था पहले ही, क्योंकि हमें को फुटेज आती रहती थी, तो आई इज टू कीप शोइंग हर बिकॉज हर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड I am hoping, because after looking at her reaction, I was so confident that this is going to be smashing. देखिए honestly, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पर, क्योंकि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट रिव्यूज़ तो खरीद भी लिए जाते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी. तो एंड दिस इज़ फैक्ट, एवरीबडी नोज, सो इसमें कुछ ऐसा है नहीं. मैं बिलीव करती हूँ जो मेरे अराउंड लोग हैं उनका, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे ऐसे मेरे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरे को एक्टर्स हैं जिनकी बातों पे या उनकी फीडबैक पे मेरा बिलीव है, वो सही ही बताएंगे मुझे, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. प्लस जैसा आभास ने बोला कि जब हम शूट कर रहे होते हैं, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारा भी एक हम कन्विंस हैं कि नहीं है, हम कितना हमारे अंदर कितना कन्विक्शन है. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं. वैसे भी आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हैं. सबका टेस्ट ये नहीं होता है कि क्राइम थ्रिलर सबको पसंद आएगा. मे बी समबडी लाइक रोमांस, मे बी समबडी लाइक समथिंग एल्स. हमारे शो में वो भी है. हाँ, लेकिन द प्लस पॉइंट इज हमारे शो में एक्चुअली सब है, लव रोमांस, लस्ट, थ्रिलर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि सबको, ऑडियंस को बहुत सारे फ्लेवर्स देखने का मौका मिलेगा. अभी तक ज़्यादा क्रिटिक्स ने कुछ कहा तो नहीं है ऐसा मुझे. मुझे लगता है जब वो कहेंगे तब मैटर करेगा. बट मुझे लगता है हैविंग सेड एवरीथिंग, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबको तो, क्योंकि हर इंसान अपने नज़र से देख रहा है ना. समबडी इज़ व्यूइंग द सीरीज़ और योर पार्ट और योर एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव. आर्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सो यू कांट से दैट लिसन आई ओनली वॉन्ट दिस एक्टर टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे एंड दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द ओनली वे. Everyone will act in a different way. One particular role given to three different actors will be performed in three different ways. Correct. So art is subjective. You can't just keep saying that, listen, I want, he did not do this part or she did not do this. So if you understand that, then you don't pay much attention to it. Then you understand their perspective, that he's looking at his way. And that is not the only way while acting. So which is perfectly fine. Don't pay much attention to that. टाइटल तो पहली बार जब सुना, हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी थी. हमारी स्क्रिप्ट का टाइटल कुछ और था, लेकिन वो टाइटल अगर हम प्रोक्योर करने जाते तो 5 मौका या धोखा बन जाते उतनी प्राइस में. द टाइटल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड फिल्म, अ ग्रेट फिल्म. राजेश खन्ना जी हैं उसमें, इत्तेफाक, दैट वॉज द नेम ऑफ आर स्क्रिप्ट. सो वी वर नेवर इवन द टाइटल का वर्किंग टाइटल भी नहीं था. वी डिडंट हैव नथिंग, वी डिडंट हैव. बट एज यू सेड, स्क्रिप्ट पढ़ के कैसा लगा,
आई हैव लॉन्ग्ड टू प्ले अ कॉप एंड यू नो नॉट द ऑफिसर ऑफिसर कॉप जिसको हम प्यार से कहते हैं ठुल्ला प्यार से मतलब मोहब्बत से तो आई गॉट टू प्ले अ ठुल्ला इन दिस विच वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज इट्स रॉ रस्टिक ऑन द रोड ऑन द ग्राउंड समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर सो इट्स अ ग्रेट 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 चैलेंज एंड एक्सपीरियंस आई लव्ड इट तो कबीर सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है छलावा में सेम प्लेटफॉर्म हंगामा और मुझे सर का टेस्ट तब थोड़ा पता चल गया था कि किस तरीके का बहुत रियलिस्टिक काम करना पसंद करते हैं उसी तरीके की स्क्रिप्ट को भी एंजॉय करते हैं और बनाते हैं तो जब उन्होंने मुझे बोला कि समीक्षा दिस इज़ द थिंग दिस इज़ द स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट यू टू प्ले शालिनी आई वॉज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क विद हिम बिकॉज एज एन एक्टर ऑल्सो हमें भी अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए जो हमारे अंदर से जो हमारी प्रतिभा है जो हमारा पोटेंशियल है वो और अच्छे से निकल के आए तो सर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड डायरेक्टर ही इज़ ही हिमसेल्फ इज़ एन एक्टर ऑल्सो तो वो समझते हैं एक्टर की साइकी तो बहुत अच्छा लगा और इम्पॉर्टेंट ये है मेरे कैरेक्टर के ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब इतना आसान नहीं था मुझे प्ले करने के लिए बहुत सारे वेरिएशंस हैं बहुत सारा सटल भी है वनरेबल भी है सिडक्ट्रेस भी है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो एक चैलेंज था शालिनी को प्ले करना तो बहुत अच्छा लगा और प्राउड फील किया कि सर आई वाज ग्लैड कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट प्लेटफॉर्म कंसिडर्ड मी फॉर दिस एंड या आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल The material that was sent to me and the material itself was very engaging. बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था राजेंद्र जी यहाँ पर हैं ही रोट इट द वन लाइनर्स वर वेरी वेरी नाइस थैंक यू राजेंद्र जी कुछ कुछ चीज़ें बड़ी कमाल की थी और फिर उसके बाद कबीर जी के साथ काम करने का मौका बिकॉज आई नेवर वर्क विद हिम एंड आई थिंक वंस आई सेड येस एंड वंस वी स्टार्टेड डूइंग द वर्कशॉप्स आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट that I've landed on the correct project because I think while doing the workshops I realized there's so many things that are happening there's so many additions there's so much of a teamwork it is such a beautiful collaborative work you know we all are there as an artist the writer is there Rajendra ji and the director and of course the series director Kabir ji I think when we all sat together और सारी हमने चीज़ें explore करनी शुरू की तब जाके आपको लगता है हाँ यार you know sometimes that things are falling correctly into the place everyone is moving into unidimensional you know one direction aisa nahi ki koi kuch keh raha hai koi kuch keh raha hai aur hum kuch aur hi bana rahe hain us tarah ka rayta kabhi bhi nahi phaila to wo hamesha se bada acha raha from there when transcended to the shoot jab humne shooting ki goa ke andar wahan pe bhi improvisations ho rahi hain set pe changes ho rahe hain lines change ho rahi hain dialogues batle ja rahe hain kuch cheezein idhar ho rahi hain kuch cheezein idhar ho rahi hain but you know But making sure we always stay true to what is being written as well. हम पूरा का पूरा उसका ढांचा ना बदल दें तो उसके लिए राजेंद्र जी आते थे और बार बार बोलते थे कबीर जी को क्योंकि कबीर जी को बड़ा मज़ा आता है इम्प्रोवाइज करने में हिमांशु तो ये कर दे आभास तो ये कर दे समीक्षा तो ये कर दे हाँ और राजेंद्र सर सर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अच्छा ज़्यादा हो जाएगा अच्छा थोड़ा कम कर दो तो ऐसा कुछ था बट ऑल इन ऑल जब प्रोसेस अपने आप में बड़ा कमाल है द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर As a collaborative effort, Deepak ji is here, he's the director, Rajendra ji, Kabir ji, we all three, aur bhi Narendra ji, Sumo, everyone. Wo jo process hai na, agar usme maza aata na, to mujhe lagta hai wo transcend karta hai camera pe, aur isi wajah se log dekhte hain usko. So thoroughly we enjoyed it and now the audience are enjoying it, yeah. I may add a little bit to what Himanshu said. I want to give a big shout out to Frog for this because if you all remember, our entire first day of shoot was chaos. Yes. Yeah. Sab cheez plan se bahar. ए परमिशन नहीं आ रही वो नहीं आ रहा वी वर शूटिंग ऑन द रोड इन स्पाइट ऑफ दैट द शो द शूट एंडेड एज पर शेड्यूल और हमें पता भी नहीं चला व्हेन वी मेड अप फॉर द मिसिंग पार्ट्स बिकॉज दैट इज हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर अ ग्रेट ग्रेट प्री प्रोडक्शन हमारी शूट अगर 10 दिन की थी तो आई एम श्योर 6 मंथ्स का उनका कुछ प्री प्रोडक्शन हुआ रहेगा उसके लिए एक एक शॉट का डिविजन आज ये करेंगे आज इतना करेंगे और केओस होने के बावजूद उसका बैकअप लेके भी साथ में प्लान करना इट वाज अमेजिंग सबसे चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगा डिफिकल्टी ये हुई दैट आई पर्सनली प्रेफर दैट हम फ्लोर से जाने से पहले मिलें वर्कशॉप्स ऐसे हों इन अटेंडेंस वो नहीं हो पाई बिकॉज द टीम इज़ इन गोवा एंड पीपल वर बिजी हम लोग सब अपने अपना कुछ कुछ कर रहे थे सो दैट वॉज अ सर्टन अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी पर्सनली बिकॉज आई लाइक टू मेक अ रिलेशनशिप बिफोर वी स्टेप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा So that was a little bit of a challenge for me. Apart from that, it's a brilliant team. They were there at every step to help us. Again, Deepak, Rajinder, Kabir sir, everybody.
दीपक एंड राजेंद्र वर देयर टू हेल्प, कबीर वाज देयर टू डिसरप्ट. आई से बोला फनी मोमेंट्स बहुत सारे हुए हमारे. बेस्ट पार्ट वॉज हम एक्टर्स जो थे हमारे बीच में कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी. हम लोग एक दूसरे को यस हम लोग एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते थे इन एवरी सीन एंड ऑल. तूने ऐसे क्यों बोला? ये भी हमारा एक फन पार्ट है. तो हमारा ये हर वक्त चालू रहता था एक दूसरे को मतलब मस्ती करना. ये वो इंसिक्योर पर्सन है जो अपनी लाइन में क्या कर दिया है सर ने, फिर चेंज कर दिया, अरे मैं क्या करूं हिमांशु, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो हम एक दूसरे को छेड़ते रहते थे. मतलब ऑनेस्टली हमें बहुत टाइम नहीं मिलता था क्योंकि पूरा दिन हमने 10 दिनों में 6 एपिसोड शूट किए हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग. इट्स अ मैसिव टास्क. या तो एंड ब्यूटिफुली वंडरफुली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. जो चैलेंजेस थे वो हमें परफॉर्म करने के लिए एज अ परफॉर्मर, यू नो, आपको अपने कितना जस्टिफाई करते हैं आप ऑन स्क्रीन. बाकी हम पूरा टाइम फन ही करते रहते थे, हम अपने सीन्स में फन करते थे, मस्ती करते रहते थे. चैलेंजिंग पार्ट, ओके मैं बताता हूँ चैलेंजिंग पार्ट क्या था. कबीर जी के ना एक बड़ी एक कमाल की आर्ट है उनके पास एज एन एक्टर, विच ही वॉन्टेड अस टू एम्बाइब. मुश्किल है वो आर्ट. वो एक्चुअली इरफान सर के पास आर्ट थी. दैट आर्ट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन, राइट? दैट आप एक पैटर्न में डायलॉग्स बोलते हो, आपको देख के मैं लाइनें बोल रहा हूँ और अचानक से बीच में बता दे वो चाय बना दी क्या, राइट? ये इरफान सर बहुत करते थे, उनके पैटर्न्स को ब्रेक करना, रिदम को ब्रेक करना, जो कबीर जी में बहुत ज़्यादा है. उन्होंने एम्बाइब किया एंड ही वॉन्टेड अस टू एम्बाइब दैट एंड इट इज़ नॉट ईजी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. आई रिमेंबर व्हेन मी एंड अब्बास वर डूइंग दैट इंटरोगेशन सीन इन द हाउस, देर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड अब्बास के लिए भी मुश्किल, यू नो. मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि मैंने वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्टडी भी किया, ऑब्जर्व भी किया है. तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है और ये ख़ास चीज़ आपको सीरीज़ में दिखेगी, वही उसको यूनिक भी बनाती है. वरना बहुत सिंपल सिंपल हो जाता है, बड़ा लीनियर 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 सा हो जाता है. लाइन बोले जा रहे हैं, फील कर रहे हो अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, बट वो ना हर आर्टिस्ट फील करता है. कोई ऐसा नहीं है कि फील नहीं करना चाहता, लेकिन फीलिंग के साथ उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत कम आर्टिस्टों के हाथ में है, जो इरफान सर के पास था. आई थिंक इस दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड एज वेल, टू एम्बाइब इट एंड मेकिंग श्योर दैट इट लुक्स फ्लूइड. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नकली लग रहा है कि एक लाइन बोली यहाँ पर फिर यहाँ बोल दिया. नहीं नहीं, वो लगना ऐसा चाहिए कि बड़ा फ्लूइड आया. तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है एक एक्टर के लिए. और फन एज फार एज आई थिंक क्या होता है ना, फन भी उन्हीं सब चीज़ों के अंदर आता है, क्योंकि आप चैलेंज को जब ओवरकम कर लेते हो ना तो आपको लगता है आपने कुछ अचीव भी किया है, आपकी ग्रोथ भी हुई है, और साथ में उसी के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स उसको एंटरटेनिंग और फनी भी बनाते हैं. सो दैट इज़ वाई इन द ट्रेलर आई कीप रेविंग अबाउट दिस. वो पति एंड चाचा, पति एंड चाचा, इफ यू हैव सीन द ट्रेलर, कि पति है कि चाचा, वो अपने आप में बहुत कमाल का वही है, वो आर्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन ही है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीरीज के अंदर दिख जाएंगी, विच मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक आई फील. हमारी सीरीज रिलीज हुई है मौका या धोखा ऑन हंगामा. आप लोग प्लीज देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे शेयर कीजिए. वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव. हंगामा होने दो, हंगामा होने दो. थैंक यू.